हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेंडर जयपुर। तो आज हम आए हैं हमारी बाइक की नंबर प्लेट लेने। जो भी मेरे को कॉल आया था कि आपकी बाइक की नंबर प्लेट आ चुकी है, तो हम शोरूम पर जा रहे हैं और हमारी बाइक की नंबर प्लेट लेने। आज वेदर ही बहुत अच्छा है। हमारी बाइक अभी 40-50 पे चल रही है। मैं कभी 50 से ऊपर नहीं चलाता, क्योंकि सबसे अच्छा एवरेज 40-50 पर ही मिलता है हमको। इसके अलावा तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर हम रेगुलर 40-50 की भी स्पीड चलाते हैं तो हमको अच्छा एवरेज मिलता है। चलिए जल्दी शोरूम पूछते हैं। तो गाइस, अभी हम शोरूम में आ चुके हैं। जो हमारे भाई साहब है वो हमारी नंबर प्लेट ढूंढ रहे हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है बाइक के, इंश्योरेंस वाले और वारंटी वाले, वो सभी और एक्सरूम प्राइस वाले कितनी की प्राइस थी, सब डॉक्यूमेंट्स आज लेके जाएंगे। जो हमारी आरसी वो 10 दिन बाद में आएगी। नंबर प्लेट आज मिलने के बाद 10 दिन बाद में आती है, और नंबर प्लेट भी हमसे 1 रुपये भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो बाइक हमने लिए न्यू वहीं से ये नंबर प्लेट देते हैं फ्री में। इसका हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगता है। गाइज, हमें हमारे सर्विस वाली डायरी, इंश्योरेंस वाली फाइल और हमारी नंबर प्लेट आ चुकी है। वो भी पीछे शोरूम में जाके हम इसको फिटिंग करवाएंगे। और जो हमारी नंबर प्लेट है RJ47, वो देखिए गाइज, 47 है। अच्छा है नंबर, कहते हैं 12 नंबर नहीं आना चाहिए, 47 बेकार होता है। सर 45 बहुत अच्छे नंबर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12 नंबर नहीं है। और ये नंबर प्लेट ज़्यादा मजबूत तो नहीं आती है, बट इस पर जो कवर लगते ही मजबूत हो जाती है, तो वो कवर भी हमको लगवाना चाहिए। और ये हमारी इंश्योरेंस वाली फाइल है, जिसमें हमारी बाइक का शोरूम प्राइस 66,500 रुपीज़ है, और हमारी वारंटी इसमें। चलिए हम अब हम पीछे आ चुके हैं शोरूम में। अभी भाई हमारी नंबर प्लेट तो छेद करेगा दोनों तरफ, और फिर इसको हमारी बाइक में लगाएगा। चलिए टाइमलाइन एंजॉय कीजिए। तो अभी नंबर प्लेट पे छेद हो चुके हैं, भाई अभी लगा रहा है। 2 स्क्रू आगे लगेंगे और 2 स्क्रू पीछे, 4 स्क्रू में नंबर प्लेट लग जाएगी। और इसका जो नंबर प्लेट का कवर है वो हम यहाँ पर नहीं लगवाएंगे। मैंने इस भाई पूछा, बट उसने इसने ऐसा बोला कि यहाँ पर 200 रुपये का लगे, बट हम अगर बाहर से लगवाएंगे तो वो हमको 100 रुपये में लग जाएगा, तो हम इसलिए बाहर से लगवाएंगे, यहाँ से नहीं लगवाएंगे। भाई जल्दी से फिटिंग कर दे, फिर चलते हैं। तो गाइज, अभी कुछ 6 दिन प्रॉब्लम आ गई थी नंबर प्लेट वाले में, तो भाई ने थोड़ा सा जो छेद है वो थोड़ा
थोड़ा किया है मशीन से ताकि जो स्क्रू आसानी से आ जाए। तो ऑलमोस्ट हमारे नंबर प्लेट दोनों लग चुकी है। अब वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय।